तब यहाँ पे क्यों ये आए? अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था कार्यक्रम, और ये हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा योगदान है जो अपना भारत विश्व गुरु बने, इसमें ऐसा हिंदू हिंदू का योगदान। हाँ हाँ सोच हम लोग का है। हम लोग सोच रहे हैं कि फिर से सोने का चिड़िया। नमस्कार, परिचय दीपांशु यादव और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर्स अड्डा। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। कुछ लोग जुड़े हुए हैं, अब यहाँ पे आए थे, जनसभा संबोधित हो रही थी। इस पे जानते हैं कि जो जो राष्ट्रवादी प्रवक्ता थे उन्होंने कुछ बिंदुओं पर भी बात की। जो भारत है वो जाति प्रधान देश नहीं है, कर्म प्रधान देश है। दूसरी बात उन्होंने बोली कि वंदे मातरम को बार बार बताया कि वंदे मातरम का जो सही स्लोगन था, लव जिहाद पे बात की, भारत का जो भारत की आज़ादी पे बात की, और भी ये कहा कि अगर 20 से जो 25 करोड़ लोग हैं, आप एक हिंदू राष्ट्र क्यों मांगते हैं आप तो खुद हिंदू राष्ट्र हैं, क्योंकि हमारी भारत की जो जनसंख्या है हिंदुओं की लगभग 90 करोड़ के आसपास है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि ये इन जो बिंदुओं पर बात हुई है उस पर जानते भी हैं या नहीं, ये जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इसको भी या जानते हैं, लव जिहाद के बारे में जानते हैं या नहीं, या सिर्फ ऐसा ही इन्होंने जो प्रवक्ता थे उन्होंने बोला कि इसका जो लव जिहाद का जो बीज था वो नेहरू और गांधी ने बोया था। जानते हैं कि क्या मसला रहा है। नमस्कार सर, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम बीरेंद्र प्रसाद यादव, मैं एकल अभियान से अंचल अभियान प्रमुख अंचल देवरिया, और एकल अभियान 10 ब्लाकों में देवरिया के चलता है। अच्छा ठीक है, इतना नाम बता दिए यादव जी, ये क्या मनाया जा रहा था यहाँ पे? ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था कार्यक्रम, और ये हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा योगदान है जो अपना भारत विश्व गुरु बने, इसमें ऐसा सोच हिंदू का योगदान। हाँ हाँ सोच हम लोग का है। हम लोग सोच रहे हैं कि फिर से सोने का चिड़िया भारत को सोने का चिड़िया कैसे कहा जाए, कैसे बनेगा सोने का चिड़िया कैसे बनेगा? अब सभी हम लोग एकल अभियान के माध्यम से, प्रयास से, सब सब लोग एकत्रित होंगे तभी ये अपना भारत एक सोने का चिड़िया बन जाएगा। ठीक है, अच्छा वंदे मातरम बार बार बोले, सुने हैं आप? जी, अभी जो है ये अपना कार्यक्रम चला है उसमें जो है वंदे मातरम का बार बार जो है उद्घोषित हुआ है। जी अच्छा, ये बता दीजिए जी, भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में आज़ाद हुआ था जी। और ये बोल रहे हैं कि भारत जो इन्होंने बोला कि 2014 में पहली बार भारतीय सरकार बनी जी जी, इससे पहले भारतीय सरकार नहीं थी, नेहरू थे? नहीं, उसमें जो है वो कांग्रेस की सरकार थी। तो भारतीय सरकार नहीं थी? नहीं थी, वो अपने अपने पूर्ण बहुमत के साथ वो नहीं थी। जब से ये अपना एकल अभियान आया है उसमें जो है भारतीय सभ्यता को जो है प्रतिवर्ष आगे बढ़ाने का संकल्पित है। उस उद्देश्य से हम लोग जो है एकल अभियान में पूरे मनोयोग से पूरे भारत में हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, नमस्कार सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? राजकुमार कुशवाहा। कुशवाहा जी, भारत का अमृत स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देवरिया जिले में। जी 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 ठीक है, एक बात बता दिए, लव जिहाद के इन्होंने बारे में बताया, लव जिहाद क्या मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब यही कि जो देश में चल रहे हैं, जो आप हिंदू भी मुस्लिम का रूप ले रहा है वो अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो इसमें धर्म परिवर्तन करने की कोई नहीं है, धर्म परिवर्तन लोग ना करें। हाँ ओके ठीक है, इधर आप लोग भी एक बार इधर आ जाइए, एक बार इधर आ जाइए आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आइए ना, नौकरी नहीं आपका जाएगा, आज आइए इधर आइए, इधर आइए मैम आइए, इधर आइए मैम। अच्छा ठीक है, इधर आइए, कैमरे के सामने आएंगे तभी तो नाम। मैम क्या यहाँ पे कौन सा कार्यक्रम हो रहा था यहाँ पे? अमृत समारोह। अमृत समारोह, अमृत समारोह हो रहा था। कौन आए हुए थे यहाँ पे? नहीं जानकारी है? नहीं जानकारी होगी, ऐसा होता है बार बार। किस बिंदु पर बात किया इन्होंने? ये कुछ राजनीति पर सब कर रहे थे, आजादी पर कर रहे थे बात। आजादी पर कर रहे थे। अच्छा, भारत को आजादी कब मिली थी? 1947 में।
75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव का, ठीक है। एक बात बताइए, लव जिहाद का नाम आपने पहले कभी सुना है? नहीं, लव जिहाद नहीं सुना है। मैम आपने इधर आइए, मैम आपने कभी सुना है लव जिहाद का नाम? नहीं, नहीं सुना है, नहीं सुना आपने? अच्छा ठीक है, आइए सर, आप भी आइए ना। अरे अभी इनसे भी पूछ लेते हैं, इनसे भी पूछ लेते, इधर आइए, कैमरा हमारा थोड़ा सा दिक्कत में है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अवधेश राजभर। अवधेश राजभर जी, जी ये बताइए वंदे मातरम के लेखक कौन है, किसने रचयिता कौन है, किसने लिखा है वंदे मातरम? बार बार वंदे मातरम का नाम भी लिया गया आपने। जी जी जी। क्या किसने लिखा मालूम है, जानकारी है कि मतलब मन से निकल गया था? नहीं नहीं नहीं, नहीं जानकारी है। भारत ये बोले कि भारत जाति प्रधान देश नहीं है, कर्म प्रधान देश है, सहमत है? प्रधान देश कर्म प्रधान, कर्म प्रधान देश है। लेकिन एक बात बताइए, ये मतलब ऐसा हमको लग रहा था भाषण में, तो हमको ऐसा लगा कि भड़काऊ थोड़ा सा भाषण था, मुसलमानों के विरुद्ध में था, ऐसा दिखा नहीं आपको कि बोल रहे थे? भड़काऊ नहीं था, हिंदू हिंदू के विरुद्ध, हिंदू के था, अच्छा था, समर्थन था, मुसलमान के थोड़ा सा विपरीत, हाँ थोड़ा विपरीत था, विपरीत था, ठीक है। लव जिहाद का मतलब जानते हैं कुछ? जान सुना है लव जिहाद का? जिहाद नहीं सुना है, लेकिन पूरा नहीं जानते हैं उस बारे में। अरे रोका नहीं जा रहा, इन्होंने मैंने उनसे पूछा कि सुना है या नहीं, जो यहाँ से बोला गया मंच से उसकी भी जानकारी लोगों को होना चाहिए, तभी ना पता चले। जो है यहाँ आए दिन जो है अक्सर हुआ कर रहा है उसको, हम लोग उसको नहीं, है क्या लव जिहाद जो है, भोली भाली युवतियों को फंसा के जो है धर्मांतरण कराया जाता है और खाड़ी देशों में उसको बेचा जाता है। किस किस धर्म में? मुस्लिम धर्म में करवाया जा, हिंदू से हिंदू मुस्लिम में हाँ परिवर्तन किया जा। चलिए जानकारी है आपको, और भी जो मसला रहा है यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि भारत हिंदू, भारत में 90 करोड़ लगभग हिंदू है, हिंदू है, 20 से 30 करोड़ मुसलमान है। अच्छा इन्होंने ये भी बोला कि जो अगर भारत में 90 करोड़ है तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्यों बोल रहे हो, तुम तो पहले से इतने हिंदू हो, जिसकी अभी बताइए जिसमें जो जिसका सबसे अधिक समर्थन होगा सरकार वही बनाएगा। 90 करोड़ हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए जी, जी हाँ हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, यहाँ भारत का घोषित होना चाहिए, है जी मान लीजिए है, पूर्ण रूप से घोषित नहीं है, इसमें सरकार को अमल करना चाहिए जी। ये चुनाव का मसला भी रहा है कि बस हिंदू भारत, केवल हिंदू भारत का ही माहौल है, इसमें ऐसा नहीं कि चुनाव लेकर भी हुआ है। बच्चे आए थे जी, बच्चों के पढ़ाई नहीं लग रहा नुकसान हुआ है कुछ ना कुछ? देखिए पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है, इसलिए संस्कार भी यहाँ दिया जाता है। नहीं हुआ, कोरोना था तो उसमें पहले बचाव देखना चाहिए, वो सरकार ठीक की। अच्छा हाँ, शिक्षा तो फिर ले लेंगे, लेकिन जो मर जाएगा वो फिर मिलेगा क्या? ठीक है, धन्यवाद। कोरोना का भी जो है सरकार का पहल बढ़िया रहा है और भविष्य में भी वो हिंदू राष्ट्र स्वास्थ्य करे उसके लिए जरूरी है। धन्यवाद आप सभी लोगों का हमसे बात करने के लिए। इन्होंने ये यहाँ पे मौजूद रहे, रैलियाँ यहाँ पे चली थी भारत का स्वतंत्रता का अमृत, अच्छा ठीक है तरकुलवा के ही है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, देवरिया जिले में है, देवरिया के राजकीय इंटर कॉलेज में उपस्थित है। हमारे साथ देखते रहिए द रिपोर्टर्स अड्डा, हम कर रहे हैं आपकी बात, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।